दोस्तों आज हम बनाएंगे सेहत से भरपूर ठंडियों के लिए गर्मा गर्म नए तरीके से आलू पराठा। इस तरीके से अगर आप आलू पराठा बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। और आज हम मिक्स वेज आलू पराठा बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है ये। तो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जितना नमक और 1 टीस्पून ये अजवाइन है जिसको मैंने हाथों से थोड़ा रगड़ के डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसी में हम 2 टीस्पून कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं। अब हम इन सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हाथों से अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब हम पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के अच्छा सा इसका डो तैयार करेंगे। और आटा को हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, थोड़ा टाइट ही रहेगा ये आटा, तभी हमारे पराठे फटेंगे नहीं। और ये देखिए मैंने आटा लगा लिया है, ऊपर से मैंने 1 टीस्पून ऑयल और डाला है और इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमारा आटा तैयार हो गया है और इसको हम रख देंगे दूसरी तरफ और हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो एक बाउल में मैंने यहाँ 4 उबले हुए आलू लिए हैं और ये भी हल्का गर्म है इसलिए मैंने इसको हाथों से ही अच्छे से मैश कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें कुछ सब्जियाँ, जो भी सब्जियाँ आपके पास हो। जैसे मैंने बारीक कटा हुआ इसमें पत्ता गोभी डाला है 1 कप जितना और बारीक कटा हुआ ये हरा प्याज है और गाजर भी डाला है कद्दूकस करके। और हरा प्याज नहीं है आपके पास तो नॉर्मल जो भी प्याज हम खाते हैं डेली में उसको भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता 1/2 कप ही डाला है मैंने और ये अदरक और हरी मिर्च का मैंने कूट के डाला है, ताज़ा फ्रेश कूट के डाला है। इससे पराठे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप चाहे तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला है, ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। 1 टीस्पून मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च कूटा हुआ डाला है और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें चाट मसाला, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और ये काला नमक है 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है और सादा नमक भी हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। नमक हमने आटे में भी डाला है तो इस बात का ध्यान देना है कि नमक हमें अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालना है। अब इन सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें कैप्सिकम नहीं डाला है, अगर आपको कैप्सिकम पसंद है तो उसको भी बारीक काट के हम इस सब्जी में सब्जियों के साथ उसे भी मिक्स कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, कुछ इस तरीके से हमारा जो भी स्टफिंग है वो रेडी हो गया है। अब हम एक आटे की लोई लेंगे और इसको हाथों से अच्छे से चिकना करेंगे और पराठे बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने सूखा आटा लगा दिया है इस लोई पे जिससे बेलने में आसानी हो और अब हम इसको बेलेंगे। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेलेंगे, बस थोड़ा साइडों पे ज़्यादा प्रेस करेंगे और बीच में थोड़ा मोटा रखेंगे ताकि पराठे जब हम इसमें स्टफिंग भरें तो ये फटे नहीं। तो ये देखिए मैंने साइडों पे अच्छे से इसको ज़्यादा प्रेस करके बेल लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे, मैंने अच्छे से 3-4 चम्मच इसमें स्टफिंग रखा है, इससे पराठे में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और ये हम चौकोर पराठा बना रहे हैं तो दोनों तरफ से मैंने इसको फोल्ड कर दिया इस तरीके से और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। चाहे तो आप इसी तरीके से तिकोना पराठा भी बना सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको हाथों से ही पहले अच्छे से प्रेस कर दिया है, इससे क्या होगा कि पराठे बिल्कुल फटेंगे नहीं और हमारी स्टफिंग भी चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगा। तो आप हल्के हाथों से इसको प्रेस करके पहले बड़ा कर लें थोड़ा। अब थोड़ा वापस से मैंने सूखा आटा लगाया है इस पर और वापस से हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे। ज़्यादा तेज हमें इसको दबाना नहीं है वरना हमारे जो पराठे हैं वो फटने लगेंगे। तो हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करते हुए बेल लेंगे, हमारा पराठा रेडी है। अब हम इसको सेकेंगे। तो तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पे ही गरम किया था और मैंने इस पराठे को दोनों तरफ से सेकने के बाद घी से सेका है। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं और मीडियम फ्लेम में ही हमें इसे सेकना है ताकि पराठे अंदर से भी अच्छे से पक जाएं और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बने, करारे बने।
तो ये देखिए मैंने इसको घी लगा के दोनों तरफ सेक दिया है। हल्के से हम इसको प्रेस भी कर लेंगे ताकि पराठे एकदम क्रिस्पी बने। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पराठे बनते हैं। बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं और नाश्ते में भी आप इसको खा सकते हैं। सब्जियों से भरपूर हमारे पराठे बने हैं। देखिए मैंने सारे पराठे इसे सेक लिए हैं और आप इसे चटनी के साथ, दही के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मेरे मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने क्रिस्पी और इसकी स्टफिंग भी कितनी अच्छी बनी है पराठे की।